السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. वैसे तो मैं सब कुछ पोस्ट कर चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब पेज पर भी, लेकिन सोचा कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँ, इंशाल्लाह इसे आसानी रहेगी। वो ये है कि सबसे पहला अमल आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप पढ़ भी सकते हैं, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। या ईद की रात और ईद की सुबह को हम तकबीरात पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद की नमाज़ से पहले गुस्ल करें, ये भी आपको मालूम है। अंदर लिबास पहने, दरमियानी लिबास हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न ज़्यादा आला पहना था न ज़्यादा नीचे, मतलब मीडियम क्लास, मीडियम क्वालिटी का पहना था। खुशबू लगाना और ईद की सुबह जल्दी उठें, यानी कि देर तक उठें, जाने से पहले सब कैफियत अदा कर दें अगर अदा नहीं किया है। इसके लिए मैं मसला में बयान कर चुका हूँ अलग से वीडियो में। और ईदगाह जल्दी जाएँ, ईद की नमाज़ पढ़ने जल्दी जाएँ, लेकिन आजकल हालात अलग हैं। लेकिन ये सारी सुन्नतें अमल हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। ईद की नमाज़ को जाने से पहले कुछ मीठा खा के जाएँ, ख़ास तौर से खजूर और जमजम खा के जाएँ, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ईद के लिए जब जाएँ तो आवाज़ बुलंद के साथ तकबीर कहें, और उसके बाद जो है ईदगाह जब जाएं तो पैदल जाएं, और लौट के आएं तो दूसरे रास्ते से जाएं, जाएं तो दूसरे रास्ते से जाएं। तो ये छोटे से कुछ आमाल हैं जो अगर हम करेंगे इंशाल्लाह में बेहद ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह सुबहान व तआला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।